स्पाई यूनिवर्स की मूवी टाइगर 3 को रिलीज होके टाइम हो चुका है, लेकिन अब बारी है मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की। आज की वीडियो में हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं और आखिर उसका फ्यूचर क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको सबसे पहले देखने को मिलते हैं अपने कर्नल लूथरा, जिनको कि हमने सबसे पहले देखा था वॉर मूवी में, और जो कि अपने बेस्ट एजेंट यानी कि कबीर को फोन मिलाते हैं, जिनका रोल प्ले करते हैं ऋतिक रोशन। और कर्नल लूथरा फोन पर कबीर से कहता है कि जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ वो मांगने का अधिकार किसी भी ऑफिसर को अपने एजेंट से नहीं है, और इंडिया का एक नया दुश्मन आया है जो कि अंधेरे में रहता है, अंधेरे में ही काम करता है, कोई उसको नहीं जानता है और वो बड़ा खतरनाक है, और उसको मारने के लिए तुम्हें भी उसी अंधेरे में उतरना होगा, उसके जितना हरामी बनना होगा और वो सब करना होगा जो नहीं करना चाहिए, और अगर तुम उसको ढूंढ लोगे और मार भी दोगे तो उसके बाद भी तुमको उससे बुरे अंत के लिए तैयार होना होगा। जो कि भाई इस पूरे नरेशन के पीछे हमको एक एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलता है जो कि काफी रंगीन था। बारिश बारिश हो रही है, चारों तरफ कलर्स ही कलर्स हैं, जो कि भाई मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सब कनेक्ट होगा स्पाइनोर्स की अगली मूवी वॉर 2 के साथ जाकर, जो कि रिलीज होगी 2025 में। वेट तो करना होगा। लेकिन भाई पहले मैं ये सोच रहा था कि जो हमको पोस्ट क्रेडिट सीन में वो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है उसमें जो बंदा है वो और कोई नहीं मूवी का मेन विलन यानी कि जूनियर एनटीआर है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नल लूथरा मूवी के विलन को डिस्क्राइब कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि एनटीआर निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एनटीआर ने अपना कबीर ही निकलता है, जो कि भाई मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमको ये तो पता चल ही गया है कि वॉर 2 का आखिर कैसा विलन होने वाला है। काफी चतुर, चुपके काम करने वाला, किसी की नजरों में जल्दी सा ना आने वाला और कबीर के घोड़े लगाने वाला, और ये तो कंफर्म ही है कि वॉर 2 मूवी के लिए जूनियर एनटीआर को कास्ट कर लिया गया है एज अ विलन। तो मजे तो आएंगे ऋतिक वर्सेस एनटीआर देखने में। लेकिन इन सब के बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर ये वाइब्स आ रही है कि वॉर 2 के एंड में कबीर एक विलन बन जाएगा, जो कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन के कुछ डायलॉग्स और कुछ सीन्स ये सेंस भी बनाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले भाई कर्नल लूथरा का ये लास्ट वाला डायलॉग कि तुमको उसको पकड़ने और मारने के बाद भी उससे भी बुरे अंत के लिए तैयार होना होगा, और साथ ही ये डायलॉग्स भी कि तुमको उसको पकड़ने के लिए अंधेरे में उतरना होगा, वो सब करना होगा जो नहीं करना चाहिए। और फिर जो हमको पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्शन सीन देखने को मिलता है उसमें भाई बंदा यानी कि कबीर लोगों को मारे ही जा रहा है, कितने बंदे ढेर कर दिए उसने, और बंदे के चेहरे पर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो दिख ही रहा है, भले ही उसको कूल करके इन्होंने दिखाने की कोशिश की हो। तो इन सबको देखते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वॉर 2 के एंड आते आते खुद ही एक विलन बन जाएगा, और जो कि भाई वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी विक्रम वेदा में हमने देखा ही कि ऋतिक विलन के रोल में भी फाड़ देगा। और आप इसको लेकर क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। बाकी इसके अलावा टाइगर 3 में टाइगर वर्सेस पठान से रिलेटेड कोई भी हिंट नहीं देखने को मिलती है कि आखिर इन दोनों में लड़ाई होगी कैसे, क्योंकि अभी तो ये एक दूसरे को बचा रहे हैं और फिर एक दूसरे की जान के दुश्मन बनेंगे कैसे। आई थिंक इसको वॉर 2 में सेटअप किया जाए, क्योंकि वॉर 2 के बाद अगली पिक्चर वही होने वाली है यानी कि टाइगर वर्सेस पठान, जिसमें कि ये दोनों लड़ेंगे। अब लड़ेंगे क्यों अभी कुछ नहीं पता है, वॉर 2 में भी पता चल जाए, और उसके लिए भी अभी ऑलमोस्ट 1 साल तो वेट करना होगा, कर लेंगे और कर भी क्या सकते हैं। बाकी अभी के लिए तो मैं वॉर 2 के लिए एक्साइटेड हूँ, उसमें एनटीआर वर्सेस ऋतिक देखना है, लेकिन बहुत सी न्यूज फिर ऐसी भी निकल करके आती है कि एनटीआर नेगेटिव रोल्स नहीं प्ले करते हैं, तो आखिर वॉर 2 का विलन होने कौन वाला है, एनटीआर है लेकिन विलन के रोल में है या नहीं ये तक कंफर्म नहीं है, जिसकी कंफर्मेशन तो मूवी आने पर ही मिलेगी। लेकिन वॉर 2 में मैं कबीर और दूसरे एजेंट्स का क्रॉसओवर जरूर से देखना चाहूंगा, क्योंकि अब तक हमने कबीर और पठान या फिर कबीर और टाइगर इनमें से किसी को भी एक साथ नहीं देखा है, तो अगर वॉर 2 में ऐसा हो जाता है तो भाई मजा आ जाएगा। बाकी देखते हैं कि आखिर क्या नया करते हैं वॉर 2 के साथ। और इसी के साथ अगर टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और साथ ही मैंने टाइगर 3 का डिटेल में रिव्यू भी किया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।